तो पिछले साल विंटर में अगर कोई चीज ट्रेंड कर रहा था तो वो था वर्सिटी जैकेट, जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, बहुत सारे लोग जो है परचेज कर रहे थे। फिर भी मैंने जो है इस टॉपिक पे कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, नहीं रिव्यू करी थी कोई भी वर्सिटी जैकेट की, पर इस बार जो है हम लोग जरूर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, तो ये जो है अमेज़न की तरफ से आया है पैकेज और इसमें भी जो है वर्सिटी जैकेट। और आज का वीडियो जो है एक ट्रायल है, इसके बाद जो है हम हॉल वीडियो भी करेंगे वर्सिटी जैकेट के ऊपर कि कौन सा ब्रांड का जो है अच्छा होगा आपके लिए, कम से कम प्राइस में जो है बेस्ट क्वालिटी आपको कहां मिलेगी, वो सारी चीजें जो हम देखेंगे इस विंटर। तो चलिए इसे खोलते हैं और निकालते हैं अपने वर्सिटी जैकेट को और देखते हैं कैसा है हमारा जैकेट। तो ये देख सकते हो अपना वर्सिटी जैकेट, ये रहा। इसका प्राइस जो है मुझे पड़ा था 854 रुपीज। तो पैकेजिंग तो काफी अच्छी की गई थी और वर्सिटी जैकेट जो है जिसपे बहुत सारी पैचेज होते हैं उसी को जो है वर्सिटी जैकेट बोलते हैं। और ये आता है ब्रांड बी सेवेज की तरफ से। वाओ, क्या बात है, ब्रांड का नाम ही। ये देख सकते हो, ये मैंने जो है ब्लैक कलर में सेलेक्ट किया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा भी आपको जो है कलर ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। और मैं जो है आर यहाँ पे ढूंढ रहा था पर मुझे आर मिला नहीं, क्योंकि मेरा नाम राजीव है तो मैं आर ढूंढ रहा था। पर अगर आपका नाम सत्यम है, सोनू है, तो आप एस के लिए जा सकते हो, आपको मिल जाएगा। बाकी हाँ, ये देख सकते हो अपना वर्सिटी जैकेट, पर ये जो है प्रॉपर वर्सिटी जैकेट नहीं है। अगर आप गूगल वगैरह पे सर्च करोगे वर्सिटी जैकेट तो उस पे जो है बहुत सारे पैचेज लगे होते हैं, पर इसमें जो है दो चार पैचेज लगे हुए हैं, ज़्यादा पैचेज नहीं है। और पर्सनली मुझे उतना पैचेज जो है पसंद भी नहीं है, वो थोड़ा सा छपरी टाइप में चला जाता है। इसलिए मैंने जो है पटना में लोकल शॉप वगैरह में भी ट्राई करा था तो वहाँ भी कुछ खास कलेक्शन नहीं था और ना ही अमेज़ॉन वगैरह पे भी कुछ खास कलेक्शन नहीं है। फिर भी मैं बहुत ही जल्द जो है हॉल वीडियो लाने वाला हूँ इस टॉपिक पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वर्सिटी जैकेट कैसा लग रहा है। बाकी यहाँ पे बटन देख सकते हो, ब्लैक कलर है, व्हाइट कलर का बटन है, तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसमें एक और अच्छी बात कि अंदर से भी आपको जो है पॉकेट देखने को मिलेगा और दोनों साइड देखने को मिलेगा। स्लीव्स में भी जो है आपको व्हाइट कलर देखने को मिलता है, जो कि इसका कलर कॉम्बिनेशन पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताना। और पीछे अगर आप देखोगे तो पीछे जो है पूरा प्लेन है और इसमें जो है पैचेस वगैरह भी आता है, तो मैं बहुत ही जल्दी जो है करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग, तो प्लीज़ आप जो है चेक करते रहना और बेल आइकन जो है दबा देना ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तब। बाकी इसकी क्वालिटी वगैरह मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बाकी मैं जो है पहन के यहाँ पे क्लिप लगा दूंगा तो आप जो है इसकी फिटिंग देख सकते हो। इसमें जो है मैंने साइज एल सेलेक्ट किया था, बाकी मैं पहनूंगा तो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि एल साइज जो है कैसा फिट होता है। वहाँ पे जो है साइज चार्ट भी दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग भी आप जो है ले सकते हो। आपका चेस्ट कितना है, शोल्डर कितना है, ये सारी चेक करके जो है आप जरूर लेना। उसके अलावा मैंने जो है दो दिन पहले इसका रिव्यू करा है, जो कि मैंने अभी पहन रखा है डेनिम जैकेट, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, वीडियो आपको जो है मिल जाएगा। तो प्लीज़ एक बार चैनल चेकआउट जरूर करना। बाकी अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इजिली चेकआउट कर सकते हो। और मेरे लिए कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।